नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड की। 64.35 स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम जानेंगे लेटेस्ट अपडेट स्टॉक को लेके। तो वीडियो काफ़ी छोटा है, इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक जरूर देखें। तो लगभग 850 करोड़ के आसपास यहाँ पे मार्केट कैप है। EPS 3.07 और इंट्रिंसिक वैल्यू 58 रुपीज़। वहीं अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट की, तो मार्च 2023 के यहाँ पर रिजल्ट आए हैं। शानदार कंपनी की सेल्स रही है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी कंपनी का शानदार बना है। हालांकि जो कंपनी है उसका टैक्स अब की बार थोड़ा ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपको पिछले कुछ क्वार्टर की तुलना में कम देखने को मिला है, लेकिन सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ी है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट रहा है। वहीं आप देखोगे पिछले 5 साल की सेल्स, तो पिछले 5 सालों की सेल्स आप देख सकते हो 855 से 1385 तक यहाँ पर पहुँच गई है। वहीं पर आप देखोगे पिछले 5 साल का प्रॉफिट, तो 5 करोड़ से यहाँ पर 42 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी का पहुँच गया है। शानदार सेल्स ग्रोथ रही है, CAGR के लेवल पर शानदार स्टॉक ने रिजल्ट दिए हैं। रिजर्व है, रिजर्व बढ़ा है, और जो बोरोइंग है, बोरोइंग भी यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों की तुलना में धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि रिजर्व कंपनी के पास अभी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे डेप्टर डेज, तो वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं, और प्रमोटर होल्डिंग है वो है 74.91%, और कंटिन्यू इसी होल्डिंग के साथ यहाँ पे प्रमोटर बने हुए हैं। तो आप पेन स्टॉक के हिसाब से देखोगे तो ये स्टॉक आपको काफ़ी मजबूत दिखाई देता है, तो आपको इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।